हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो जो है वो आप सबके बीच में आई है, और लेकिन अब आती रहेगी। तो पिछला जो भी था, आई मीन्स जो टू चैप्टर्स था फिजिक्स का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार कर लिए होंगे। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, केमिस्ट्री की तरफ। ठीक, फिजिक्स का जो भी हो गया है उसके आगे अब केमिस्ट्री हम कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर से फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले चैप्टर का क्या नाम है आइए देखते हैं। केमिस्ट्री है, क्लास टेंथ की है ना, और इसका लेसन वन है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये है आपका चैप्टर का नाम जो आपको पढ़ना है। अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आपके बीच में, मतलब कि आपके दैनिक जीवन में, ठीक, मतलब डेली लाइफ में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल रिएक्शन होता ही रहता है। जैसे आपने देखा कि आप सांस ले रहे हो, ठीक, मतलब अंदर बाहर सांस ले रहे हो, तो आप ऑक्सीजन को ले रहे हो। ध्यान दीजिएगा, किसको ले रहे हो? ऑक्सीजन को, और बाहर क्या निकाल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही, रासायनिक अभिक्रिया ही है। और आप देख सकते हो कि दूध से दही बन रहा है, हैं, बनाते भी हैं लोग। तो दूध से जब दही बन रहा है तो क्या होता है, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। और आप देख सकते हो कि मतलब खाना आना बन रहा है, या जो हम भोजन करते हैं वो पच जाता है। तो जितने भी टाइप्स की ये सब एग्जांपल्स है, ये किस पर आधारित है? सब इसी पे। क्या नाम है इसका? केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? तो जब या तो एक पदार्थ होगा, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया है जो एक नया पदार्थ बनाती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक या एक से अधिक जब कोई पदार्थ रहेगा वो मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाएगा, ठीक, तो उसी को हम कहते हैं कि क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ध्यान दीजिएगा, नया पदार्थ बनेगा ना। तो ये क्या है, इट इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है, तरीका है। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच, क्या होता है इसमें, वन, कितने, वन आर मोर, या तो एक होगा और या तो एक से ज़्यादा। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सबस्टेंस फॉर्म्ड न्यू सबस्टेंस, मतलब कि एक जो आपका मैटर है, जो पदार्थ है, वो एक या रहेगा या तो एक से ज़्यादा, जो भी हो, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि क्या हो रहा है। तो एक पदार्थ रहेगा या एक से अधिक पदार्थ रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, एक न्यू सबस्टेंस। तो नया पदार्थ जब बनाएगा और उसी को हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हैं? तो क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन। तो पहला देख लीजिए, फिर से हेडिंग आप लगा लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर, या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा, ठीक। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सबस्टेंस फॉर्म्ड न्यू सबस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आप हिंदी में लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लिख सकते हो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, फिर सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक, अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, केमिकल रिएक्शन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आप पीछे थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका सेकेंड नंबर में, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वॉल्व होंगी, ठीक, वो हम देख लेते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? पहला है आपका क्या, चेंज इन स्टेट। पहला क्या है, साइड से अच्छा देख लीजिए आप। तो पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था परिवर्तन, मतलब अवस्था बदल जाएगी, ठीक। मतलब अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड हो सकता है,
ठीक, या लिक्विड है तो गैस हो सकता है सॉलिड हो और रिएक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो सॉलिड हो गया, ऐसे जो भी हो। तो स्टेट में जो है चेंजेस हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है उसका। अगला है आपका चेंज इन कलर, मतलब रंग परिवर्तन। दूसरा है आपका रंग परिवर्तन, जैसे कलर में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसे हैं जिसमें कलर में भी थोड़ा सा कुछ बदलाव हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, कलर तो जानते ही होंगे क्या होगा। तो चेंज इन क्या, टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर जब चेंज होगा यानी ताप परिवर्तन, हो सकता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस दौरान, उसके बाद उसका टेम्परेचर कुछ और हो और होने के बाद क्या हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको होने के दौरान, ठीक, क्या होता है उसमें से गैस निकलता है, कभी CO2 निकल रहा है तो कभी हाइड्रोजन कभी कभी निकल जाता है, कभी और सारी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक। तो लेकिन गैस भी निकल सकती है, तो ये सारा प्रोसेस है। क्या क्या होगा एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कौन कौन सा चीज़ हो सकता है, वो हम देखते हैं। पहला है आपका स्टेट चेंज, मतलब इसका जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से कुछ और, है ना, लिक्विड जो भी हो। दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, मतलब रंग परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, लाल, पीला, काला जो भी हो, जानते ही होंगे आप। और क्या है ये, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में भी बदलाव हो सकता है, वो भी परिवर्तन हो सकता है। और क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना, हो सकता है उसमें से कुछ गैस वगैरह भी निकले। तो ये रहा आप मतलब की टॉपिक, इसको आप अच्छे से फिर से देख लीजिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे आपका ये है जैसे दैनिक जीवन में आपका क्या इसका उपयोग है, कैसे आप, जैसे अभी मैंने बताया कि डेली लाइफ में कैसे आपको पता चलेगा कि यही चीज़ें हो रही हैं, उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो आपको देखना है कि कहाँ हो रहा है, जैसे भोजन, ठीक, भोजन मतलब फूड, फूड को आप क्या कर रहे हो, मतलब खा रहे हो, भोजन ले रहे हो आप, तो फिर क्या हो जा रहा है उसका, होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन जब होगा फूड का, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। जो डाइजेशन होता है मतलब कि आप खाना खा लिए, ठीक, खाने के बाद भोजन जो है वो पच जाता है, तो उसी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये हुई हो गया हमारा एग्जांपल। दूसरा है आपका, मैंने अभी बताया कि सांस को लेना और फिर बाहर निकालना, ठीक, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक। तो मतलब ये भी है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी दूसरा हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का, दही बनाना कह सकते हो आप। तो दूध से जब दही आप बनाओगे तो भी उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज करते होंगे, देखते होंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्स नहीं आ सकता, मतलब जैसे अगर केमिकल रिएक्शन करना है, सपोज दैट, ऐसे नॉर्मल हम ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है क्या, कोई नहीं, मैग्नीशियम, ठीक, और क्रिया करा दिए किससे, O2, ऑक्सीजन से, तो हमारा हो जाएगा क्या, MgO। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमको दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दो मैग्नीशियम जब इस साइड हो गया तो इधर भी टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। ये जो प्रोसेस है इक्वेशन को बैलेंस करना, उसको हम आगे बताएंगे, डोंट वरी। आप सिर्फ इतना देखिए कि मैग्नीशियम था, उसको हमने किससे क्रिया करा दिया, ऑक्सीजन से, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, अब ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, अगर मैं चाहूँगा कि फिर से ऑक्सीजन में और फिर से मैग्नीशियम में अलग अलग टूट जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये भौतिक अवस्था से आप नहीं इसको बदल सकते पहले जैसे, ठीक। तो ये हमको देखना है कि भौतिक अवस्था से, मतलब फिजिकल मेथड से, हम जो है जैसे पहले था उसको हम नहीं कर सकते। ये आप चाहे तो आप नोट में लगा लीजिए और चाहे तो ऐसे ही लिख लीजिए जानकारी के लिए, कि फिजिकल मेथड से, मतलब भौतिक अवस्था से, हम इसको मतलब कि उत्क्रमणीय अवस्था में नहीं लिख सकते,
या इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हो इट इज कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आप स्टार्ट कीजिए, इतना तैयार कीजिए, अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप हमको बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।